नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में मैं अमृता शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर। अब तक इस अंक में हमने हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कई प्रकार की बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं शीतकाल में होने वाली त्वचा पर सामान्य रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर कर्तव्य कावड़िया जी, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूं। और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में त्वचा से संबंधित शीतकाल में होने वाली कोई भी समस्या जो त्वचा से संबंधित है, अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर पता होना चाहिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-233-9418। एक बार फिर से बता दूं, 1-800-233-9418। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि स्किन जो है, हमारी जो त्वचा है, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। जी बिल्कुल। और मानव जो शरीर है वो प्रकृति की छवि है, ये भी माना जाता है। उसके बावजूद हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसका कारण क्या है, विशेषकर ठंड के दिनों में? जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, नवंबर दिसंबर आता है, ठंड बढ़ना चालू होती है, तो स्किन में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। क्या होता है कि बाहर का तापमान जो है वो कम हो जाता है एकदम से। तो स्किन में क्या होता है, जो मॉइस्चराइजर होता है वो बाहर खींचा जाता है, तो स्किन ड्राई हो जाती है। इसको हम लोग अपनी भाषा में जीरोसिस बोलते हैं। अच्छा। यही जीरोसिस आगे जाके एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आम भाषा में सब एक्जिमा जानते ही हैं। इसके अलावा सोरियासिस, जिनको अंडरलाइन सोरियासिस है, ये ठंड के टाइम पे बिल्कुल बढ़ जाती है। इसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, अटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है। कई बार हम क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, ये लगता है कि ठंड का टाइम है तो धूप नहीं होगा, तो धूप के कारण कई एलर्जी चालू हो जाती है जी। कई बार हम क्लोज कॉन्टैक्ट, ठंड का टाइम रहता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहते हैं, तो कई इन्फेक्शन पनपने लग जाते हैं। तो ऐसे ठंड के टाइम में बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ठंड के दिनों में आपने बताया कि स्किन जो है, क्या एक प्रश्न मेरे मन में यह है कि ठंड के दिनों में धूप नहीं होगी, जैसा कि आपने बोला कि कई लोग ऐसा मान के चलते हैं, क्या ठंड में भी सनबर्न की समस्या होती है? बहुत कॉमन है, यही सबसे बड़ा परेशानी है। हमको अच्छा। लगता है कि जो कड़कती धूप आ रही है वही धूप है। हाँ। ऐसा नहीं है, जो उजाला है वो धूप है। इनफैक्ट अच्छा। आपके स्टूडियो में इतनी लाइट्स हैं, ये भी एक तरह का धूप है, ये भी अपने स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ये मान लेना कि ठंड का टाइम में आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, ऐसा गलत है बिल्कुल। इनफैक्ट हम घर के अंदर हैं तो भी हमको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ, मैं अशोक श्रीवास बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी अशोक जी, अपना प्रश्न आपको नमस्कार जी। अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ठंड के मौसम अभी शुरू होता है, और स्किन में कभी कभी क्या है कि लाल लाल दाने हो जाते हैं, और उसमें एकदम तो खुजली होने लगती है, खुजाने पे उसमें से मतलब निकलता है, तो ये क्यों होता है, इसका उपचार क्या है? ठंड में लाल चकत्ते निकल आते हैं, उसमें खुजली होती है, दाने निकल आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या? जी बिल्कुल, ठंड के टाइम में या फिर कोई भी टाइम में ऐसे लाल चटक्के स्किन में बहुत कॉमनली आ जाते हैं। ठंड के कारण यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि स्किन में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस होती है तो जब भी हमारी स्किन ड्राई रहती है तो वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए या किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, जिसको हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। तो कभी भी ड्राई स्किन जो है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ठंड के टाइम पे अगर स्किन में लाल, छोटे छोटे लाल दाने आए, तो हमें एक हिस्ट्री हमेशा लेनी चाहिए कि आपके परिवार में और किसी को है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि इन्फेक्शन की चांसेस बहुत रहती है। हाँ। उसके अलावा जो नॉर्मल बेसिक जीरोसिस है उसके कारण खुजली हो सकती है, कोई अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है, तो इसके लिए हमको एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना। इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर ड्राइनेस से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज ऐसी चीज़ है
अनेकों प्रकार के मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं। सिंपल घर में एक नारियल तेल जो है वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बढ़िया, उसको पानी में मिला लीजिए, नहाने के बाद उसको पूरी बॉडी में लगा लीजिए, जो आमतौर पर हम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है, अगर उससे भी नहीं हो रहा तो मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, तो उससे बचने का यही तरीका। बाजार में बहुत सारे मॉइस्चराइजर उपलब्ध हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाला हमारी स्किन के लिए बेहतर है, इसका चयन कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल चीज़ इसमें यही है, मॉइस्चराइजर का काम है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना। हमको ये जानना है कि हमारी स्किन का टाइप कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्या वो नॉमिनल ड्राई है, सिर्फ ठंड के टाइम पे ड्राई होती है, या ठंड के टाइम पे भी कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है ताकि आगे कोई परेशानी ना। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस है तो उसमें हम यूरिया कंटेंट वाले मॉइस्चराइजर, लिक्विड पैराफिन कंटेंट वाले मॉइस्चराइजर, ये सब लगा सकते हैं। एक बेसिक ड्राई स्किन है तो नारियल तेल भी अपने आप में बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर है, घरेलू उपचार। बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, उनका भी प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न जी। नमस्कार, नाम बताइए आपको और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं जैसे अभी ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड के मौसम में हमारे जो त्वचा है उसको बाह्य रूप से कौन कौन से जो रोग है वो परेशान कर सकता है, और इससे बचने के लिए हमको खान पान में कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिससे त्वचा का जो रोग है हमें परेशान ना कर सके? जी बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि हम खान पान में किस तरह की सावधानी बरतें ठंड के दिनों में ताकि समस्या ना हो त्वचा से संबंधित। बिल्कुल, इनके प्रश्न का पहला पार्ट तो अपन ने कवर किया। हाँ कि ठंड पे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पार्ट जो कि अच्छा है कि डाइट में क्या करना चाहिए, तो ऐसा पर्टिकुलर कोई डाइट ठंड के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किन को अच्छा रखने के लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की मात्रा बराबर होना चाहिए, साथ में कुछ विटामिंस होना चाहिए, कुछ ट्रेस एलिमेंट, कुछ मिनरल होना चाहिए। अब हमारी डाइट में हमको किन चीज़ों का ध्यान दें? दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो हमेशा इग्नोर किया जाता है, पानी। हम डाइट का मतलब सिर्फ खाना समझते हैं, पानी तो इग्नोर कर देते हैं। ठंड में वैसे भी पानी जो है कम पिलाता है। बिल्कुल कम पिलाता है, तो ऐसा नहीं कि हमें प्यास नहीं लग रही तो पानी नहीं पीना है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना, अगर पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो स्किन अच्छी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको बाहर से मॉइस्चराइजर की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। इस खाने में हम क्या क्या ध्यान दे सकते हैं? हमारा खाना एक भरपूर सारा पूरा आहार होना चाहिए। दूसरी चीज़, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अच्छा। ड्राई फ्रूट, ऐसा बोला जाता है कि एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें आपका काजू, पिस्ता, किशमिश सब चीज़ हो, वॉलनट हो, वो एक मिक्स एक मुट्ठी भर के हमको डेली खाना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके चेहरे का सीबम प्रोडक्शन कम करते हैं, जिसके कारण एक्ने वगैरह से हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर वो वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छी रहती हैं, जिसके कारण हमारी जो एजिंग होती है, फोटो एजिंग, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का रेडिकल इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैरेट, वो बहुत अच्छा फ्रूट है, वो अगर अपन ले रहे हैं उसको हम एक कंप्लीट फ्रूट या कंप्लीट वेजिटेबल बोलते हैं। इसमें सब चीज़ होती है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आजकल बेरीज जो हैं, जैसे कि क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें, ये सब डाइट में अगर रहें तो बहुत बढ़िया रहता है। और जो आपने कैरेट यानी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो आपने बताया, तो ठंड की सब्जियाँ हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, तो ये तो हम तो एक चीज़ जरूर बोलते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट हमेशा लेना है। ऐसा नहीं, उसकी मात्रा होनी चाहिए जैसी अपनी जो अपना जितना अपना बजट हो, और उस हिसाब से अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के हिसाब से जितना ले सके उतना हमें ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद से सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत बढ़ गया है, एक दिन में कई बार सैनिटाइज़र का उपयोग हम करते हैं, इसके कारण भी क्या कुछ समस्या स्किन में देखने को मिली? बहुत ज़्यादा माफ़ करेंगे, इसका जवाब मैं आपसे थोड़ी देर में चाहूँगी क्योंकि हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्ते मैडम। जी जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। ये ठंड के मौसम में बाल तोड़ की प्रॉब्लम हो जाता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने की? बाल तोड़ की जो समस्या है उससे बचने के लिए क्या? बाल तोड़ एक तरह का स्किन का इन्फेक्शन है जिसको हम पायोडर्मा बोलते हैं, बॉयल्स या पायोडर्मा। उसमें क्या होता है, क्योंकि बाल जो है, बाल वाला जहाँ से निकलता है, जो फॉलिकल से, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बाल तोड़ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंड में ही होता है, ये कभी भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि एक प्रकार का इन्फेक्शन है तो ये क्यों होगा, स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई में कुछ कमी होगी। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को कि
अगर बार बार बाल तोड़ हो रहा है, अगर बार बार हमारे स्किन में बाल तोड़ हो रहा है, तो डायबिटीज़ का एक टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि रेकरेंट बायोडर्मा हमेशा एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं को डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान, मतलब शरीर में कोई ना कोई समस्या है जिसके कारण बाल तोड़ बार बार हो रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और एक कम्प्लीट चेकअप करवाना होगा कि भाई ये समस्या बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है। अब मैं अपने पहले प्रश्न पर आ जाती हूँ जो कॉल के पहले मेरा था कि सैनिटाइजर के उपयोग के कारण भी क्या कोई समस्या देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आजकल हम लोग जब अपने ओपीडी में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग एक हाथों में थोड़ा थोड़ा कटापन या ड्राइनेस वो लेके आते हैं, और वो उनसे जब पूछो तो सीधा बताते हैं कि हाँ हम बैंक में काम करते हैं या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, दिन में 7 से 8 बार हमको सैनिटाइजर मिनिमम लगाना पड़ता है, या हम घर पर भी, हम कोविड जब बहुत ज़्यादा था तो हम बिल्कुल यूज़ करते थे। अब वो सैनिटाइजर जो है वो उसमें 80% अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल जो है ठीक है वायरस को मारने के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साथ के साथ वो स्किन की जो लेयर है उसको, जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो सीबम है उसको डिप्लीट करता है, स्किन को एक्सपोज कर देता है। अगर स्किन एक्सपोज हो गई तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि कटना और वो सब चीज़ें हो सकती है। इससे बचा कैसे जाए? हम एक चीज़ अपने सारे पेशेंट्स या उनको समझाते हैं, जो आप दर्शक हैं उनको समझाऊंगा कि अगर अपन एक दिन में 10 बार सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो कम से कम 5 बार अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करिए, मतलब 50% टाइम अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। हम अपने ओपीडी में या ऑफिसेज में अपना सैनिटाइजर के साथ एक मॉइस्चराइजर के डब्बा लेकर बैठे, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बोलना आसान है कि 5 बार मॉइस्चराइज करो, वो हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दे दिए ना तो हम अपने हाथों को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। और हमें ये करना चाहिए कि सैनिटाइजर के साथ एक मॉइस्चराइजर का भी छोटा पैक रखना चाहिए, सुरक्षा में ही बचाव है। बिल्कुल मैडम। डॉक्टर साहब, ठंड के दिनों में एक और आम समस्या है बालों में, हमारे सर की जो त्वचा है उसमें रूखापन आ जाना, रूसी हो जाना, और बाल जो है वो ड्राई हो जाना, बिल्कुल उसका क्या कारण है? इसको हम आम भाषा में डैंड्रफ बोलते हैं। हमको ऐसा लगता है कि स्कैल्प हमारा ड्राई हो गया इसलिए डैंड्रफ है, ये बिल्कुल एक ये गलत वो है। अच्छा। हाँ, हमारा अगर स्कैल्प ऑयली है तो हमको डैंड्रफ ज़्यादा होगा। वो स्कैल्प जो है वो एक सीबम का लेयर ऊपर बनता है, धीरे धीरे वो सूखता है और वो बाहर निकलता है, तो वो है आम भाषा में जिसको डैंड्रफ बोलते हैं। ठंड के टाइम पे ये बढ़ जाता है, कुछ लोग को सिर्फ डैंड्रफ होता है, कुछ लोग को सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें मोटी मोटी लेयर बनने लग जाती है, कुछ को वही आगे जाके सोरियासिस जैसा डेवलप हो जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बालों में फाइन पार्टिकल्स ना होके बड़े बड़े मोटे मोटे लेयर्स होने लग जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि जैसे ठंड के टाइम पे यूजुअली हम गर्म पानी से नहाते हैं, अगर एकदम तेज गर्म पानी से नहाए तो वो हमारे बॉडी को भी बहुत ड्राई कर देता है और स्कैल्प में डैंड्रफ बढ़ा देता है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डैंड्रफ है तो अच्छे शैम्पूज़ यूज़ कर लीजिए, उससे डैंड्रफ क्लियर। एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इतना जो प्रचार होता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो क्लेंजिंग का काम करता है। शैम्पू का काम है कि वो क्लियर करे, क्लेंस करे बालों को। ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो एंटी डैंड्रफ हो जाए या जिसके कारण डैंड्रफ हो ही ना। डैंड्रफ अपनी स्कैल्प की एक्टिविटी के कारण होता है, पर उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छे से शैम्पू कर लें, और ज़्यादा रहे तो मेडिकेटेड शैम्पू बिल्कुल यूज़ करें। ज़रूर। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, मैं मधु दास झाड़ी से बोल रही हूँ। जी मधु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। बोले मैडम कि मेरे सर में ठंडा हो या गर्म मौसम हो वो एनी टाइम डैंड्रफ रहता है। जी, अभी अभी डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार और आप हमारे दर्शक को बताएं। जी बिल्कुल। अब इनकी कंप्लेन है कि डैंड्रफ ज्यादा रहता है, तो 12 महीने रहता है। ये एक आम समस्या है। डैंड्रफ कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि स्कैल्प उनका ऑयली रहता होगा तो डैंड्रफ रहता है, बहुत आम समस्या है। अब बात यह है कि इसको मैनेज कैसे करें। उसको अगर हम ये सोचें कि डैंड्रफ ठीक हो जाए, तो ठीक नहीं होता डैंड्रफ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि आज हमने 15 दिन ले ली उसके बाद कभी जीवन में डैंड्रफ नहीं हुआ। वो एक स्कैल्प की कंडीशन है, तो उसको जैसे गर्मी का टाइम रहा तो हम सिर्फ शैम्पू यूज़ करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कितना डैंड्रफ है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना है, तो ये सब लोगों पे अलग अलग लोगों पे अलग अलग डिपेंड करता है। जिनको ज़्यादा डैंड्रफ है उनको हर दिन शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ती है। जिनका काम ऐसा है कि साइट वर्क है, पूरे टाइम धूल उसमें रहते हैं, उनको डेली शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग का काम है कि सिर्फ घर पर रहना या ऑफिसेज में रहना,
हफ्ते में दो बार तीन बार काफ़ी होते हैं, तो पहली चीज़ ये होगी। और जब मौसम चेंज हो और डैंड्रफ बढ़ रहा हो तो उसके बाद जरूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि ये इसको कंट्रोल कैसे करें। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी बनी हैं, बहुत सारे लोशन बने हैं, मेडिकेटेड शैम्पू बने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी कितना सीवियर है उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट, कितनी गंभीर समस्या और कब से ये समस्या चली आ रही है, कितनी लंबी समस्या, इन दोनों बातों पर उपचार निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, मस्से की भी एक समस्या बहुत ही सामान्य है। पूरे शरीर में मस्से कहीं पर भी निकल आते हैं, उनमें खुजली होती है, कुछ लोगों को खुजली नहीं होती है, इसका कारण क्या है? मस्से जो हैं, आम भाषा में जिनको हम मस्से बोलते हैं, या तो वो स्किन टैग्स हो सकते हैं या वो वॉट हो सकते हैं, कई बार सेंथलेस्मा वगैरह हो, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिनके कारण मस्से, कई बार जो तिल होते हैं वो भी अपने आप में एक मस्से की तरह रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज कि वो क्या है, वो मस्सा है कि वो वॉट है, वॉट जो है एक इन्फेक्टिव पैथोलॉजी जो एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि मस्से हैं कि सिर्फ स्किन टैग है। और वो उसके कारण जो है, कई बार फैट बढ़ जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, तो वो मस्से बनाने लग जाता है। कई बार लोगों को गले के आसपास मस्से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमने कभी चेन या कुछ पहना, तो वियर एंड टियर बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो वो मस्से बनने चालू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं मस्सों के। इसके उपचार में यही है कि अगर वो वायरल पैथोलॉजी नहीं है या कोई वॉट नहीं है तो उसका उपचार नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी साइज में बड़ा हो जाता है, कई बार 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 छूने से उसमें परेशानी होती है, तो उसको हम लोग निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर वायरल पैथोलॉजी है, वॉट है, तो उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी नहीं, तो वो फैलता है। जी, मतलब ये मान लेना कि ये ला इलाज है, ये गलत है, इलाज संभव है लेकिन समय से उपचार करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे वो ये है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सन टैन की जो समस्या है, हमने बहुत अच्छा लोशन लगाया उसके बाद भी ये समस्या जो है वो बनी हुई है, उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण खान पान में कुछ विशेष प्रकार की कमी है, या फिर ज़्यादा ध्यान ना दे पाना, शरीर की साफ़ सफाई, क्या इसकी बेसिक समस्या क्या होती है? टैनिंग जो है वो होती है धूप के कारण। अब वो टैनिंग कब हो रही है ये डिपेंड करता है। पहली चीज़, हमारा काम कैसा है, क्या हम सिर्फ अंदर मतलब ऑफिस या स्टूडियो में काम कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा बाहर एक्सपोजर नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम धूप में काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी हो, अगर आप अंदर भी हो बाहर भी हो, पहली चीज़ कंपलसरी है सनस्क्रीन लगाना। और ये भी समझना कि सनस्क्रीन लगा लिया तो अब हम फ्री हो गए, अब हमें कुछ नहीं होगा, हमें टैनिंग नहीं हो सकती, ये भी गलत है। अच्छा, सनस्क्रीन के साथ बॉडी कवर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बहुत धूप में काम करते हैं तो हमें गोल हैट पहनना, वो बिल्कुल पहनना चाहिए, जिससे हम सूरज से बच सकें। एक अच्छी मोटी लेयर, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक रुपये के सिक्के जितना मोटा लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाना, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया और उसको जस्ट जनरल क्रीम की तरह लगा लिया, उससे काम नहीं होगा। एक अच्छा मोटा लेयर होना जरूरी है जो कि सूरज से की किरणों को रोक सके। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर साहब कि फंगल इन्फेक्शन क्या है और इसके कारण किस तरह की समस्याएं हमारी त्वचा पर होती हैं? जी, तो आजकल एक आम भाषा में चालू पेशेंट बोलते हैं कि सर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। ये यूजुअली क्या होता है कि स्किन में अगर बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाए तो स्किन नमी रहती है स्किन में, ज़्यादातर बारिश के या गर्मी के सीज़न में स्किन नमी रहती है उस स्किन के एरिया में, खास करके उन एरियाज में जहाँ पे दो जगह की स्किन रगड़ खाती है। अच्छा, जैसे जांग वाला एरिया हो गया या बगल वाला एरिया होगा, इन जगह पे स्किन रगड़ खाती है, तो वहाँ पे पूरे टाइम पसीना जमा रहता है और वही आगे जाके फंगल इन्फेक्शन कराता है। तो एक चीज़ ये समझना जरूरी है कि क्या वो फंगल इन्फेक्शन है या वो कुछ और है, क्या वो एक्जिमा है या कुछ और है, वो चीज़ समझना जरूरी है। क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन आजकल एक जनरल टर्म हो गया कि स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है मतलब फंगल, ऐसा नहीं है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बिल्कुल उसकी दवाइयाँ आती हैं, एंटी फंगल्स की क्रीम भी आती हैं, गोलियां भी आती हैं, पर खुद से दवाइयां ना लेके हम डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो ज्यादा जरूरी होगा। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, ये ठंड में होट फट आता है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? ठंड में होट फट जाता है ज्यादा? जी 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 जी, ठंड में होठ फटते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? दरारें आना, ये बहुत ही सामान्य समस्या है ठंड में। जी बिल्कुल, तो जिस प्रकार अपन ने बताया कि ठंड के टाइम पे ज़ेरोसिस या एक्जिमा होना बहुत कॉमन है, जो सबसे पहले जिन जगहों में होता है वो होते हैं होठ, दूसरे होते हैं हमारे हाथ की हथेली, तीसरे होते हैं पैर, क्योंकि ये वाला एरिया हमेशा एक्सपोज रहता है, बाकी जगह कपड़ों से ढका हुआ रहता है, तो इनमें बहुत कॉमनली दरारें पड़ना या होठ फटना ये बहुत कॉमन है।
होठों के लिए आजकल बहुत अच्छे लिप बाम्स आते हैं, लिप बाम विद सनस्क्रीन जिसमें जिसको चैपटेक्स बोलते हैं हम, वो आते हैं जिसको हम अपने होठ पे अप्लाई कर लें तो उससे काफ़ी हद तक हम नरिशमेंट, नहीं तो अगर घरेलू उपचार चाहिए तो घी से अच्छा कुछ भी नहीं है होठों के लिए, अगर अपन ने बढ़िया घी लगाया होठों में तो काफ़ी हद तक होठ उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, अगर हम नहीं लगाते हैं तो होठ में पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, घरेलू उपचार का आपने जिक्र किया तो मैं चाहूँगी कि घी के अलावा और ऐसे कौन कौन से हमारे किचन में चीज़ें मौजूद रहती हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, उन्हें रोगों से बचा के रख जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी स्किन को केयर करने के लिए दवाइयाँ या वो सब अलग हटा दें, तो स्किन को केयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ आती है उसमें डाइट, एक डाइट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारी स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना, आधे घंटे एक घंटे एक्सरसाइज करना, उससे स्किन में रेजुविनेशन होता है, जो डेड सेल्स हैं वो निकलती हैं और एक अलग सा ग्लो लगता है जिसके लिए आज की डेट आज सबके सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज करना। तीसरी चीज़ हमारे स्किन को के लिए हम लोग एक आजकल स्किन रेजिम कि स्किन केयर रेजीम क्या होना चाहिए ये बहुत चलने लग गया कि ये क्रीम लगाओ ये लगाओ, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। पहली चीज़ स्किन को क्लेंजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लेंजिंग का मतलब स्किन साफ अच्छे से करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें, नहीं तो प्लेन अच्छे मतलब ऐसा कोई हार्ड सोप ना यूज़ करें। सोप हार्ड इसका मतलब स्किन फ्रेंडली पीएच होना चाहिए सोप का, जिसको हम लोग सैंडेड बार बोलते हैं वो यूज़ करें। कई बार स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो कुछ क्लेंजिंग लोशंस आते हैं उसको यूज़ करें, तो स्किन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप करते हैं तो रात को मेकअप उतार के सोना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ सुबह और शाम मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है स्किन को। अगर हम स्किन को अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइजर चाहिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको मॉइस्चराइजर चाहिए, तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो प्रोटेक्शन, जो कि हम सनस्क्रीन से करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सनस्क्रीन लगानी है, वो लगा के ही बाहर निकलें या घर पे भी रहें। अगर ये तीन चीज़ों को हम फॉलो कर लेते हैं तो इससे अच्छा स्किन केयर और कुछ नहीं हो सकता। चौथी सी चीज़, अगर हमें किसी तरह का कोई एडिक्शन है, कोई टोबैको सेवन या ऐसा कुछ है, उसको बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि उससे स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है। फिर कुछ घरेलू उपचार करते हैं हम, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी लगाना, पपीता लगाना, कर्ड लगाना, अपना दही लगाना, तो ये सब इन सब में एक एसिडिक कंटेंट रहता है जो कि स्किन की एक डेड सेल की लेयर, जो फर्स्ट लेयर जो डेड रहती है उसको निकालता है। जो हम लोग अपने प्रोसीजर्स में करते हैं, पीलिंग करते हैं, ये भी नेचुरल पीलर्स हैं। अच्छा। इसमें एक चीज़ बस ये बताना चाहूँगा कि आप एंथुजियास्टिक होके बहुत ज़्यादा ना करें, हफ्ते में एक बार कर लिए काफ़ी है। कई बार ऐसा लगता है कि हम आज ये कर लेते हैं, कल ये कर लेते हैं, परसों, वो ना करके अपना अपना एक शेड्यूल बना लिए कि हफ्ते में एक दिन मैं पपीता लगाऊंगी, एक दिन ये लगाऊंगी, तो उस हिसाब से। साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अभी जिक्र किया कि स्किन की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसमें गंदगी जमी होती है और जो सामान्य घरेलू उपचार है जैसे पपीते का लेप या फिर मुल्तानी मिट्टी का लेप या दही का लेप, इससे हम उसे साफ कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, उसमें तीन चार लेयर्स होती हैं। हमें तो सिर्फ एक लेयर दिख रही है ऊपर की, लेकिन तीन चार लेयर होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हमें पिंपल्स हो गए तो वो सिर्फ हमारे फर्स्ट लेयर पर अटैक करता है या फिर अंदर के जो तीन चार लेयर्स हैं उन पर भी उसका अटैक होता है? जी, तो पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि स्किन ऐसे देखने में लगता है कि बहुत पतला सा एक ऑर्गन है, स्किन के नीचे सीधा हड्डियाँ होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी पतली स्किन भी तीन से चार लेयर होती हैं उनमें। जैसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है एक डर्मिस का लेयर, उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस लेयर जो कि फैट बोलते हैं जिसको हम आम भाषा में। साथ में स्किन के कुछ अपेंडेजेस होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, हेयर होता है, ये सब स्किन का ही पार्ट होता है। एक्ने जो है वो क्योंकि हमारी ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं जो कि स्किन के लेयर में रहती है, उस कारण से होता है, उसके उसका ब्लॉकेज हो जाए या उसका इन्फेक्शन हो जाए, तो उन कारण से जो दाने निकलते हैं जिसको एक्ने बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्किन मतलब की स्किन जो है वो दिखती बहुत पतली चादर है लेकिन उसके में कई लेयर्स, बहुत लेयर्स हैं और सब लेयर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, सब लेयर का अपना एक फंक्शन होता है जिसके बिना शायद हमारी लाइफ पॉसिबल ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का अंक पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर नए विशेषज्ञ और नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।